नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं डीएन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द डीएन न्यूज। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा 8 बैलेट पेपरों को अवैध घोषित करने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया कि चुनाव अधिकारी ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली से भाजपा के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। विवाद ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता स्वाति मालीवाल और कांग्रेस के साथ साथ अन्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि पोलिंग बूथ पर पीठासीन भाजपा समर्थित चुनाव अधिकारी ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को शपथ दिलाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के 8 बैलेट पेपरों को जानबूझकर और नियतन अस्वीकृत कर दिया। वहीं चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने बताया कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया और प्रक्रिया में कोई अस्पष्टता नहीं थी। सभी कार्यवाही पूर्णतः पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और अन्य द्वारा पोस्ट किए गए वायरल वीडियो के अनुसार और उनके द्वारा किए गए दावे के मुताबिक भाजपा समर्थित चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को निजी फायदा पहुंचाने की नीयत से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुल 8 बैलेट पेपरों को अस्वीकार कर दिया और अवैध घोषित कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतदाताओं ने दावा किया कि यह सिर्फ भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को चंडीगढ़ के मेयर सीट पर कब्जा कराने की नीयत से किया गया कृत्य था। हालांकि ANI से बातचीत में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तभी अचानक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतदाता आए और उन्हें उनके द्वारा जारी किए गए बैलेट पेपर में कुछ अनावश्यक निशान होने के कारण उन्हें बदलने का आग्रह किया। बैलेट पेपर बदल दिए गए और चुनाव संपन्न हो गया। इसके बाद परिणाम घोषित किया गया। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मतदाताओं ने बैलेट पेपर छीन कर दबोच लिया, जिसे बाद में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उनसे वापस लिया। इस छीना झपटी में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो अगर वो ब्लेम कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए ना कि आपको किसने हक दिया था वहां जाके बैलेट पेपर को कैप्चर करने का और पूरे प्रोसेस को हाईजैक करने का। वो तो चंडीगढ़ पुलिस ने उनसे सारे पेपर छुटवाए। अगर वो चंडीगढ़ पुलिस उनको बैलेट पेपर ना छुटवाती तो वो तो लेकर भाग गए थे और फाड़ देते। तो गलत काम तो उन्होंने किया। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो आगे आते और बैलेट्स पेपर को चेक करते, और मैंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए बैलेट्स पेपर को आकर चेक कर सकते हैं। बैलेट्स पेपर को चेक करने के बजाय वो तो फाड़ने आ गए। उनका मनोहर और प्रेमलता ने पूरे कब्जे में ले लिए थे बैलेट पेपर। इट्स ऑल ऑन द रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको छुटवाया वहां से बैलेट्स पेपर को। अनिल मसीह ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली को लेकर पुष्टि की कि चुनाव में कोई अस्पष्टता नहीं थी और यह सभी दृष्टिकोण से पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी था। चुनाव अधिकारी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया और 8 बैलेट पेपर के अस्वीकार करने पर उठे प्रश्न को CCTV फुटेज पर देखा जा सकता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। चुनाव सुबह शुरू हुआ, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमारा जो कॉर्पोरेशन का जो हमारा असेंबली हॉल है वहां शुरू हुआ, और मैंने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जितने भी पार्षद थे हमारे, मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर थे, सबको मैंने एड्रेस किया इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले कि हम ये इस चुनाव को मिलजुल के अच्छे से फ्री एंड फेयर और बिना किसी लड़ाई झगड़े के करवाना चाहते हैं। और इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा पीसफुल चल रहा था। सबने अपने वोट अधिकार के हिसाब से हमारे 36 वोट कास्ट हुए, इंक्लूडिंग MP का वोट। और उसमें तकरीबन कोई कुछ आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इश्यू कर रहे थे तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है कुछ है। तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जो जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए, और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना। और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इश्यू करे, और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया उसके बाद वोट ऑफ काउंटिंग शुरू हुआ। काउंटिंग ऑफ वोट्स के प्रक्रिया में मैंने जब सारा वो वोटिंग काउंट कर लिया तो उसमें आई वॉज अबाउट टू डिक्लेयर द रिजल्ट एज पर द प्रोसेस एज पर द बायलॉज एंड एक्ट। तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा तो मेरे अनाउंस करते ही
जो जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको 16 वोट पड़े थे, और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे, और 8 वोट जो जिनपे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उस दौरान, उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को इकमनोर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट्स पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट्स पेपर को फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के जो वहां मार्शल डेप्यूटेट थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट्स पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में, लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी, और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा। और पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूं मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोग्राफी में यू कैन चेक कि हु वाज डिस्टर्बिंग द ऑल इलेक्शन प्रोसेस एंड काउंटिंग प्रोसेस। सर, क्या रीजन था कि 8 इनवैलिड निकाले गए? वो जो देखिए, वो जो वहां पर जो इनवैलिड जो वोट्स हैं उनपे जो उनके मार्क्स होते हैं, कुछ टिक मार्क्स होते हैं, वो होने नहीं चाहिए। तो वो आफ्टर वोटिंग वो पाए गए एंड वो 8 जो उनको हमने जो इनवैलिड उनको डिक्लेयर किया था, फिर मैंने उनको अपने कब्जे में लेकर साइन करके सीलिंग अथॉरिटी को जो भी देना था हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। चुनाव अधिकारी के अनुसार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतदाताओं का संपूर्ण कृत्य और कुछ नहीं, केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या है। बट जो उन्होंने आज किया है, जो इट वॉज मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, दे ट्राई टू कैप्चर द एंटायर पोलिंग सिस्टम। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतदाताओं ने भाजपा समर्थित चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा 8 बैलेट पेपरों को अस्वीकार करने को लोकतंत्र की लहूलुहान कर देने वाला देश की जनता के लिए घातक कृत्य बताया। और आम आदमी पार्टी के मेयर को किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके कुचल दिया गया। आप और कांग्रेस के मतदाताओं का कहना था कि कानूनन अस्वीकृत बैलेट पेपरों को केवल उनकी उपस्थिति में और उनके परामर्श से ही निरस्त किए जाने का प्रावधान है, जबकि चुनाव अधिकारी ने स्वयं अपने मनमाने तरीके से बैलेट पेपरों को निरस्त करते हुए अस्वीकृत कर दिया, जो कि सरासर अवैध था। आप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा समर्थित चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा बैलेट पेपरों को अस्वीकार किए जाने को भाजपा द्वारा खेली गई एक गंदी राजनीति बताया और कहा कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ भाजपा और चुनाव अधिकारी की मिलीभगत से खेला गया वो षड्यंत्र था जिसने आज लोकतंत्र को तार तार कर दिया। ये एक विचित्र स्थिति थी जहां दोनों पक्षों ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया। एक तरफ जहां चुनाव अधिकारी ने इसे लोकतंत्र की हत्या इसलिए कहा क्योंकि इनके द्वारा अस्वीकृत माने गए बैलेट पेपरों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्वीकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसे भाजपा की सोची समझी साजिश और एक घिनौना षड्यंत्र बताया और चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपरों को अस्वीकार कर दिया, जो कि पूर्णतः अवैध है। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया पर वीडियो में जो चुनाव अधिकारी को कुछ लिखते हुए दिखाया गया है, उससे ये तो कतई भी प्रमाणित नहीं होता कि चुनाव अधिकारी द्वारा बैलेट पेपरों को अस्वीकार किया जा रहा था। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि क्या चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा अस्वीकृत बैलेट पेपरों का निरस्तीकरण किया जाना कानूनी प्रक्रिया के अनुसार था। बैलेट पेपर निरस्त करने से पूर्व चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव हार गए लोगों से परामर्श नहीं किया गया या उन्हें इस कार्रवाई में मौजूद नहीं रखा गया, इस बात का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैलेट पेपरों को छीन कर फाड़े जाने का भी कोई प्रमाण नहीं था।
ये सभी जांच के विषय हैं जो जांच के पश्चात ही साफ हो पाएगा। परंतु आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य के सामने धरना, प्रदर्शन और रैली के लिए निश्चित रूप से विकल्प खुले हुए हैं। मेरी राय में उन्हें निश्चित ही इस तरह के अवैध कार्य और घटना के को अंजाम देने वालों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और रैली का आयोजन करना नितांत आवश्यक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पूर्व दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक विराट आंदोलन किया था, तो अब क्यों नहीं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और रैली तो बनता ही है। जहां उनकी पार्टी ने घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया और जो इस देश के लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर हमारे नेता इतने कमजोर हैं और केवल प्रेस वार्ताओं और अदालतों तक ही सीमित रहेंगे, तो समाज कल्याण के लिए हमारे नेताओं द्वारा उठाए गए राजनीतिक कदमों पर कई सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। मामला पूर्णतः विवादास्पद है और बेशक लोगों द्वारा किए गए दावे जांच का विषय हों, बावजूद इसके हर हाल में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या है। यहां मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि विपक्ष की लचर, कमजोर और ढुलमुल रवैया, जहां ऐसे अप्रिय घटनाओं के बावजूद विपक्ष केवल प्रेस वार्ताओं और अदालतों तक ही सीमित हो, वहां जनता क्या ही उम्मीद कर सकती है। जनता अपना नेता चुनती है अपने हक और न्याय के लिए लड़ने वास्ते, ना कि प्रेस वार्ता के लिए। विपक्ष क्यों नहीं आगे आता और लोकतंत्र के सबसे मजबूत और शक्तिशाली हथियार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जन जागरण अभियान और रैली से अपनी आवाज उठाकर इस तरह के मुद्दों को हाईलाइट करता? क्यों विपक्ष केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और मामले को न्यायालय में ले जाने तक सीमित है? विपक्ष का विरोध प्रकट ना करना, धरना, प्रदर्शन और रैली से दूर रहना देश और देशवासियों के लिए घातक है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को उठाने का एक ताकतवर हथियार है धरना, प्रदर्शन और रैली, जिसके माध्यम से विरोध प्रकट किया जा सकता है। वास्तव में विपक्ष का ऐसा ना करना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और नई और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।